ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह का कुछ पता चला? नहीं हुजूर। पूरा जंगल छान मारा है, शहंशाह का कुछ पता नहीं चल रहा है, न जाने कहां चले गए वो। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, मगर आपको शहंशाह को इस रास्ते के बारे में बताना नहीं चाहिए था। रुको, वो शहंशाह है, रुक जाओ। आदाब हुजूर। आदाब, खुदा का शुक्र है आप आ गए। हमें लगा कि कोई हादसा हो गया है। कैसा हादसा फजल साहब? क्या लगा आपको कि जंगल में हमें कोई जिन या कोई भूत मिल गया है? हमारे कहने का मतलब ये नहीं है फजल साहब। हमने आपको कहा था ना कि हमें किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी, बस हम उस आवाज का पीछा करते करते उस लड़की तक गए और उसकी मदद की। एक बात तो समझ गए हैं कि अगर इस जंगल की कोई खास बात है तो वो बस इसका घना होना। शायद इसी वजह से लोग इससे डर जाते होंगे। देखिए, हमें लगता है कि हमने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया है, अब जल्द से जल्द हमें आगरा पहुंचना चाहिए। जी शहंशाह। आइए सब लोग, आइए। आइए। दूर चले जाओ, लेकिन आने वाले दिनों में तुम खुद मेरे पास खींचे चले आओगे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या हुआ हुजूर, आप रुक क्यों गए? कुछ नहीं, हमें लगा कि शायद किसी ने हमें आवाज दी। हो सकता हमारा वहम। आइए। प्रणाम सलीमा बेगम। आदाब जोधा बेगम। वो अम्मी जान को देखने आए थे। अब कैसा स्वास्थ्य है इनका?
कोई सुधार नहीं है जोधा बेगम। प्रणाम बेगम साहिबा, पालकी तैयार है। ठीक है, तुम जाओ। आप कहीं जा रही हैं जोधा बेगम? जी, वो मंदिर जा रहे हैं अम्मी जान के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने। शायद अब दुआ ही कोई रंग दिखाए। आप जाइए, खुदा हाफिज। रुके जोधा बेगम, जी सलीमा बेगम। नवरोज मुबारक हो जोधा बेगम। आपको भी। अल्लाह करे ये पाक दिन हम सबकी जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आए। ऐसा अवश्य होगा, इस बात पर हमें पूरा विश्वास है। आज जो हम करने जा रहे हैं उसके बाद सब ठीक हो जाएगा सलीमा बेगम। दिन बीतते जा रहे थे, नवरोज का पाक दिन आ पहुंचा था। एक तरफ जलाल अपनी फतेह की खुशी के साथ आगरा पहुंचने वाला था, दूसरी तरफ अकबर की फतेह से अनजान जोधा अपना धर्म बदलने जा रही थी। दरबार में आए हैं हम, हमें अपने आचरण में स्वीकार करो। हमारे सारे कष्ट, सारी समस्याएं ले लो हमसे। अम्मी जान को स्वस्थ कर दो। सुनो, मौलवी साहब से कहो कि हम आ गए हैं। दिल का नहा किन कोई, ना ही दिल रियाया है। असल दिल को दिल ने बचाया है। असल दिल को दिल ने बचाया है। तेरे अकीदे में हर राह जाती है, तेरी ही दुआओं से मुकद्दर बनाती है। नहीं जोधा, तुम्हें निर्बल नहीं होना है। इस समय तुम पीछे नहीं हट सकती। इस समय तुम्हें कदम उठाना होगा अम्मी जान के लिए, अपने बेटे के लिए, मुगल सल्तनत और उसकी प्रजा के लिए। तुम्हें ये त्याग करना ही होगा जोधा। नहीं, आप हमें सलामत कीजिए,
किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर आए हैं। जो हुक्म, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। जब तक पाक वक्त नहीं हो जाता उसके बाद हम रस्मों की शुरुआत करेंगे। जी, आप तैयारियां कीजिए, हम प्रतीक्षा करते हैं। बस शहंशाह, अब कुछ देर की बात है, बहुत जल्द हम आगरा की सरहद के करीब होंगे। बहुत खूब। क्या हुआ हुजूर? इसमें पानी नहीं है। सिपाहियों, मुश्क दो शहंशाह को। हुजूर, सब खाली है। बहुत प्यास लगी है, काफी गर्मी है। हुजूर, पास में ही एक बहुत ही मशहूर बाजार है, वहाँ पानी जरूर मिलेगा। बहुत खूब, चले वहीं चलते हैं, वहाँ पानी भी मिल जाएगा, शुक्राने की नमाज भी अदा हो जाएगी। आइए। या गरीब नवाज, या मोरे ख्वाजा जी, या गरीब नवाज। मोरे ख्वाजा, मोरे ख्वाजा, प्यारे ख्वाजा, प्यारे ख्वाजा, मोरे ख्वाजा, मोरे ख्वाजा, प्यारे ख्वाजा, प्यारे ख्वाजा। जग ऊंची यारे ख्वाजा, नबी के दुलारे ख्वाजा। मोरे ख्वाजा, मोरे ख्वाजा, प्यारे ख्वाजा, प्यारे ख्वाजा, मोरे ख्वाजा, मोरे ख्वाजा, प्यारे ख्वाजा, प्यारे ख्वाजा। तुमसे जो दूर है वही बे क्या बात है फजल साहब, आज सब लोग बड़ा ही जश्न मना रहे हैं, आपने हमारी लौटने की खबर आगरा तक नहीं पहुंचा दी। जी नहीं हुजूर, आज नवरोज है। मतलब बड़े ही मुबारक मौके पर हम हमारे आगरा वापस लौटे हैं। जी, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं शहंशाह, कुछ देर के लिए आराम क्यों नहीं कर लेते? यहाँ मजार पे कुछ देर रुकना चाहेंगे? नहीं फजल साहब, आज नवरोज है, नए साल की शुरुआत, वो दिन जिसका जश्न अपनी बीवी बच्चों और अपने परिवार के साथ मनाते हैं लोग, और मैं यकीन है कि हमारे सिपाही भी अपने घर लौटने की ख्वाहिश रखते हैं, और हम भी। पाक वक्त हो गया, आइए। हमें क्षमा कर देना शहंशाह, हम आपको दिया हुआ वचन तोड़ रहे हैं। फजल साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलवी साहब, हम इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, आप रस्म शुरू करें। जी बेहतर है। जोधा बेगम, अहलिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, आप अपनी मर्जी से अपने पूरे होशो हवास में यहाँ तशरीफ लाई हैं? जी। माशाल्लाह, आप बताएं कि आप पर कोई जोर जबरदस्ती की गई है? जी नहीं मौलवी साहब, यहाँ पर हम हमारी इच्छा से आए हैं। पिछली दफा मरियम मकानी के हुक्म पर आपने मजहब नहीं बदला था, इस दफा मैं इस्लाम कबूल कराने से पहले आपसे जान की अमान चाहूंगा। जी। जहर है किस्मत, मैं काजी मलिकाए हिंद को इस्लाम कबूल कराने का शर्फ हासिल करता हूँ। सुभान अल्लाह, इससे पहले कि मैं इस्लाम कबूल करवाऊँ, आप जान लें
कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, यानी सुतून। और सबसे पहला सुतून कलिमा, अव्वल कलिमा तैयब, तैयब माने पाकी के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके माने हुए कि नहीं है कोई माबूद सिवाय उस एक अल्लाह के, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। दूसरा सुतून नमाज, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ऐ मोमिनो, 5 वक्त की नमाज तुम पर फ़र्ज है। तीसरा सुतून आप रमज़ान शरीफ में अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि तमाम मोमिनीन मोमिनात पर रमज़ान के 30 रोज़े फ़र्ज हैं। चौथा ज़कात, ज़कात फितरा सदका और खैरात, ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए है। हर साहिब निसाब को अपनी दौलत में से 40वां हिस्सा गरीब मिस्कीनों को तकसीम कर देना चाहिए। और 5वां सुतून इस्लाम का सबसे बड़ा सुतून कि अल्लाह ने अगर आपको साहिब माल बनाया है तो हज बैतुल्लाह, हज को जाएं और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो। ये 5 सुतून हैं। इसके साथ अब जो मैं कहता हूँ उसे आप दोहराइए और अल्लाह की पनाह में इस्लाम कबूल कीजिए। क्या हुआ? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो। अरे क्या हुआ? आगे बढ़ो, हमने कहा आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो। शहंशाह, एक काम करें, आप मेरा घोड़ा ले लें और मैं आपका घोड़ा लेके बाद में आता। नहीं फजल साहब, अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो जरूर कोई बात है। शायद अल्लाह का इशारा है कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कैसा इशारा हुजूर? यही कि हमें वही मजार पर रुककर नमाज पढ़ लेनी चाहिए। अगर पहुंच कर अपना इस्तकबाल कराने से पहले हमें एक बार अल्लाह ताला का शुक्रिया करना चाहिए। जो फतह है उनकी बदौलत हमें हासिल हुई है, उसके लिए एक बार हमें शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए। बहुत खूब शहंशाह, आए, हम तुम्हें और दिक्कत नहीं देंगे। जो मैं कहता हूँ उसे मेरे साथ दोहराइए और अल्लाह की पनाह में इस्लाम कबूल कीजिए। कहिए बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, हिर रहमा, हिर रहमा, निर रहीम, निर रहीम। आई फजल साहब, नमाज पढ़ते आई। जी शहंशाह। अब पढ़िए ला इलाहा, ला इलाहा, इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, मुहम्मदुर, मुहम्मदुर, रसूलल्लाह। कहिए कहिए मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। मलिका हिंद, आपको ये आखिरी लफ्ज पूरा करना होगा, तभी आप ईमान में दाखिल होंगी। कहिए मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। शहंशाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मौलवी साहब क्या हो रहा है वहाँ? एक खातून इस्लाम कबूल करने आई हैं। किसी के दबाव में आकर तो इस्लाम नहीं कबूल कर रही है ना? बेशक नहीं शहंशाह। शहंशाह आपसे एक गुजारिश है कि आप आएं और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मुबारकबाद दें। बेशक, अगर कोई अपनी मर्जी से इस्लाम की पनाह में आ रहा है तो हम तहे दिल से उसका इस्तकबाल करेंगे और बताना चाहेंगे उन्हें कि वो मुगल सल्तनत में महफूज हैं। आइए हमारे साथ। मुबारक हो खातून।